हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ईपीएफओ में आपका जो यूएन कार्ड होता है वो कैसे डाउनलोड करें। आपको क्रोम ब्राउज़र में आपको यूएन टाइप करना है, UAN, एंड आपको क्लिक करना है इस पर। थोड़ा वेबसाइट स्लो रहता है इसका, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये कार्ड ऐसा रहता है, इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप पीएफ प्रोसेस लेकर डालते हैं तो विदाउट ये कार्ड का आपका प्रोसेस नहीं होगा। आपको प्रिंट आउट इसका लगेगा ही यूएन कार्ड का। मैंने क्लिक किया उस पर, ओपन हो रहा है, देखिए ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको डालना है यूएन नंबर, जो आपको देखेंगे बेसिकली आपका सैलरी स्लिप पे जो होता है वहाँ पे आपका रहता है। आपको यहाँ पे नंबर डालना है एंड नीचे पासवर्ड। अगर आपने इसके पहले लॉगिन नहीं किया है तो आपको नीचे देखेंगे यूएन एक्टिवेशन रहता है, वहाँ पे जाकर आपको एक्टिव करना पड़ेगा फर्स्ट, उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी है मेरे पास लॉगिन आईडी, तो मैंने पासवर्ड डाल के लॉगिन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अभी। एंड यहाँ पे आपको ये कैप्चर लेटर्स जो रहता है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद ये पूछता है कि आपका नॉमिनीस आपने सेलेक्ट किया है नहीं किया है, वो आपको अगर करना है तो कर सकते हैं। इसको मैं लेटर कर दिया, देखिए मेरा पेज खुल गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूएन कार्ड आपका डाउनलोड अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सपोज आपने केवाईसी नहीं किया है तो फर्स्ट आपको केवाईसी करना पड़ेगा अपडेट। यहाँ पे बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड्स एंड आधार कार्ड, नंबर्स और नेम। अगर आप बैंक डिटेल डाल रहे तो आईएफएससी कोड डालना है आपको। लेफ्ट में क्लिक करके उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में डालिए, जो भी आपका डिटेल्स है वो ऐड कर दीजिए। देखिए आपको मैं बताता हूँ लेफ्ट में कैसे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ, देखिए आपको क्लिक करना है आपको, यहाँ पे आपको डिटेल्स डालना है, उसके बाद यहाँ पे नंबर्स, उसके बाद आप जब ये सब हो जाएगा उसके बाद नीचे आपको सेव का बटन दबाना है। सेव बटन दबाएंगे तो नीचे जो मिडिल में दिखा रहा है यहाँ पे आपका पेंडिंग आ जाएगा केवाईसी, जो कि आपके जहाँ पे आप काम कर रहे हैं कंपनी वो आपका वेरीफाई करेगी। अगर वेरीफाई हो गया तो एक बार नीचे आपको रिफ्लेक्ट करने लगेगा कि वेरीफाइड हो गया है आपका डिटेल्स। ये वेरीफाइड होने के बाद ही आप यूएन नंबर डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए ये है, यहाँ से आप पीएफ क्लेम कर सकते हैं अगर आपका ऑनलाइन है। अगर ट्रस्ट का है तो आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर आपको इनके चेंज करना है तो आप यहाँ पे टिक करके आप वैलिडेट करके उसको कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये ईमेल आईडी आ गया और मोबाइल नंबर, तो आप चेक कर लीजिए। अगर आपको प्रॉपर है तो ठीक है, नहीं है तो आप चेंज कर लीजिए इसमें क्लिक करके। ये आपका प्रोफाइल है, प्रोफाइल में आप चेक कर लीजिए आपका डिटेल्स है, सारे डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ, नेम, मैरिड डिटेल्स, फादर नेम, मदर नेम, जो भी है सब कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो कुछ चीज़ें हैं एडिट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो एडिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप फोटो अपलोड कर सकते हैं आपका। ये पासबुक का है, सॉरी यूएन कार्ड था। ये मेरा यूएन कार्ड है। अगर आपको प्रिंट आउट लेना है राइट साइड में देखिए प्रिंटर आइकॉन है, वहाँ पे आप प्रिंट क्लिक करिए, आपको प्रिंट आउट हो जाएगा। इसके बिना आपका पीएफ प्रोसेस नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप पीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके बिना आपका पीएफ प्रोसेस नहीं होगा, तो ये आपको लगेगा ही जब। सो मेक श्योर आप इसको यूएन एक्टिवेट कर लीजिए, उसके बाद आप आधार, ये अपना यूएन कार्ड जो है वो डाउनलोड करके रखिए आपके पास में, क्योंकि ये लगेगा प्रिंट आउट। अभी सपोज आपको पासबुक देखना है आपको, तो पासबुक में ये नया लिंक ओपन होगा, वहाँ पे नहीं दिखता है। तो यहाँ पे आपको जो यूजर आईडी डालना है वो सेम रहेगा जो ईपीएफओ में रहेगा, यूएन नंबर डालिए, उसके बाद पासवर्ड भी आपका वही रहेगा। सो पासवर्ड में वही एंटर करके दिखा रहा हूँ आपको। जब आप ओपन करेंगे आपका कुछ इस तरह ब्लॉक दिखेगा। यहाँ पे देखिए मैंने अभी हाइड किया है, यहाँ पे लिख किया था है आपका डिटेल्स, नाम। इसके बाद यहाँ पे एक ओल्ड है, एक न्यू है। तो न्यू में थोड़े फीचर्स ज़्यादा हैं, तो आप न्यू करिए, न्यू में आपको दिखेगा प्रॉपर, क्योंकि ओल्ड में पुराने वर्जन दिखाएगा लुक, मतलब उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं आएगा, एंड न्यू में आपको ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगे। मैं न्यू पे क्लिक किया, ये देखिए नीचे डिटेल्स आपका आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन आपका कितना है, पीएफ कितना कट रहा है, सॉरी पेंशन कितना कट रहा है, आपकी तरफ से कितना जा रहा है पीएफ और कंपनी की तरफ से कितना आ रहा है, तो वो सब डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा। नीचे क्लोजिंग बैलेंस दिखाएगा कि टोटल वैल्यू आपका कितना हुआ।
सो ये डिटेल्स आपका सर। उसके बाद मैं ये लॉक आउट कर दूंगा, उसके बाद जाएंगे वापस मेन पेज में। सो ये आप डाउनलोड करना रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी देखिए एक एक और बताता हूँ आपको, जैसे आप ये इसमें आपका है डिटेल्स आएगा, जैसे कि आपने कहाँ कहाँ मतलब आपने सर्विस किया है इसके पहले, आपने जैसे किसी एक कंपनी में काम किया है फिर वापस दूसरे कंपनी में, तो सेम आपका यूएन नंबर जनरेट रहेगा, तो वो दिखाएगा कि कौन सी डेट को आपने ज्वाइन किया है। ये देखिए डिटेल्स में आपका कौन सी डेट में आपने ज्वाइन किया था कौन सी कंपनी में, तो ये सब रिफ्लेक्ट करेगा। अभी मेरा 2 दिखा रहा है, तो मेरा 2 मैंने इसमें हाइड किया हुआ है, आप नहीं देख पाएंगे। तो आप जितनी कंपनी में आपका ये आईडी लगा रहेगा वो आपको दिखाएगा ज्वाइनिंग डेट। सो आई होप आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इसमें। सो अगर आपको यूएन एक्टिवेट नहीं करना है तो मैं अगले वीडियो में आपको यूएन एक्टिवेशन सिखा दूंगा कि आप कैसे यूएन नंबर एक्टिव कर सकते हैं आप यूएन कार्ड आपका। सो आज के लिए बस इतना ही है गाइस। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी UPF के रिगार्डिंग और बाकी ऐप के रिगार्डिंग। सो आप यूज़ करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।